और क्रिकेट इतिहास की महानतम कप्तानों में शामिल महेंद्र सिंह धोनी ने 4 साल पहले अपने इंटरनेशनल करियर को खत्म करने की घोषणा की थी। इस महान खिलाड़ी के फैन फॉलोइंग में अब तक कोई कमी नहीं देखने को मिली और भारत के लिए आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने वाले इस कप्तान को बीसीसीआई ने खास सम्मान देने का फैसला किया है। खबरों की अगर माने तो जिस नंबर की जर्सी पहनकर ये धुरंधर मैदान पर उतरते थे उसे भी रिटायर किया जाएगा। रिटायर हुई जर्सी नंबर 7, रिटायरमेंट नहीं सम्मान है। जर्सी नंबर 7 भारत की शान है। 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई और उस पोस्ट ने क्रिकेट के करोड़ों प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए, क्योंकि उस पोस्ट ने भारत से एक ऐसे खिलाड़ी को मैदान से अलग कर दिया जिसने क्रिकेट में भारत को सब कुछ दिलाया। वनडे विश्व कप की ट्रॉफी, T20 विश्व कप की ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप और न जाने ऐसे अनगिनत सम्मान। अब एक बार फिर वो खिलाड़ी चर्चा में है, लेकिन इस बार वो रिटायरमेंट की खबर से चर्चा में है, क्योंकि इस बार वो पहचान रिटायर हो गई जिससे वो जाना जाता था, और वो है जर्सी नंबर 7। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने 2 बार के विश्व कप विजेता कप्तान MS धोनी की नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। बोर्ड ने धोनी के इंटरनेशनल रिटायरमेंट के करीब 3 साल बाद ये फैसला लिया। धोनी ने अपने पूरे करियर में जिस नंबर की टी शर्ट पहनी थी वो 7 नंबर था, जो अब मैदान पर नजर नहीं आएगी। हालांकि धोनी ऐसे पहले खिलाड़ी नहीं है। BCCI हर महान खिलाड़ी की जर्सी को रिटायर कर देता है, मतलब कि अब 7 नंबर की जर्सी कभी मैदान में नहीं दिखेगी, कोई खिलाड़ी इसे नहीं पहन सकेगा। धोनी से पहले सचिन तेंदुलकर की नंबर 10 की जर्सी को भी ये सम्मान मिला था, जब 2017 में सचिन की जर्सी नंबर 10 को भी हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया था। BCCI के एक अधिकारी ने कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों, खासकर डेब्यू करने वाले प्लेयर्स को बता दिया गया है कि वो तेंदुलकर और धोनी से जुड़े नंबरों को नहीं चुन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबरों का 20